हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो अपनी न्यूज़ भरने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो एंड तक देखते हो गाइस मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस नीचे लाल कलर का बटन होगा उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो चैनल को फॉर डेली न्यूज़ एंड गेमिंग अपडेट्स। पहली न्यूज़ है टीम फनेटिक को लेकर। तो रौनक ने कल इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया कि उन्होंने टीम फनेटिक लीव कर दिया है। अगली न्यूज़ है वो भी फनेटिक को लेकर। तो फनेटिक ओएस का लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और स्किम्स खेल रहे थे, तो उनके साथ ड्यूड खेल रहे थे, तो आपको फनेटिक के अंदर ये न्यू प्लेयर देखने को मिल सकता है। जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी मैं आप सभी को पता ही दूंगा। अपनी अगली न्यूज है पीएमडब्ल्यूएल को लेके। तो बीटर वॉन दी पीएमडब्ल्यूएल सीजन जीरो और ओआर ने भी बहुत ही अच्छी फाइट दी और वो सेकंड हैशटैग सेकंड पोजीशन पे आए पीएमडब्ल्यूएल पे, और इसी पे बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स एंड टीम्स को इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और ओआर को बोला कि इतनी जल्दी सिनर्जी और इतना अच्छा प्ले स्टाइल आप सब ने दिखाया, होपफुली अगला सीजन इंडिया का होगा। अपनी अगली न्यूज है मावी को लेके। तो मावी से कल एक बंदे ने पूछा कि क्या स्काउट अब अपनी लाइनअप चेंज करेंगे। तो आप सभी को पता ही होगा कि स्काउट अभी भी ओआर में है और अभी भी फिनेटिक के अंदर है, यानी कि अभी वो दोनों टीम का पार्ट है, तो क्या पता स्काउट फिनेटिक में वापस जाए। जहां तक मुझे लगता है अब ओआर से ही खेलेंगे स्काउट, और जो भी अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी स्काउट की तरफ से लाइनअप को लेकर जो भी होगा मैं आप सभी को अपने चैनल पर अपडेट कर ही दूंगा। जो अपनी अगली न्यूज है टीम सोल को लेकर। तो मॉर्टन ने लाइव स्ट्रीम पे बताया कि उनकी टीम्स में आप सभी को आने वाले दिन के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। एज अ सिक्स प्लेयर उनकी टीम में कोई नया प्लेयर आने वाला है, तो क्या पता जो रौनक ने टीम फिनेटिक लीव करी है वो एक कारण हो सकता है कि वो सोल के अंदर वापिस जाए। जहां तक मुझे लगता है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या पता मॉर्टल ने वापस रौनक को ले लिया और लाइनअप में और एज अ सिक्स्थ प्लेयर, तो ये पॉसिबल तो है। और जो भी होता है गाइस मैं आप सभी को अपडेट कर ही दूंगा। और आप सभी का क्या कहना है इस बारे में कि रौनक ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे सोल, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये मैं कह रहा हूं, ऐसा किसी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि रौनक सोल ज्वाइन कर ही रहे हैं, ये सिर्फ मेरा अजम्पशंस है। अगली लूज है सांगवान को लेके। तो सांगवान ने बोला कि वो लाइव स्ट्रीम छोड़ देंगे। तो कल जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे सांगवान तो बहुत ही ज़्यादा रेजअप हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हेटर्स पता नहीं ये टीम सोल के हेटर्स है जो उनको हेट कर रहे हैं या कोई और है, क्योंकि जो पीएमपीएल के बाद से सांगवान को बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा है, बोल रहे हैं लोग कि मॉर्टल की कॉल सुनो वगैरह वगैरह। तो और क्या बोला सांगवान ने मैं आपको छोटी सी क्लिप में सुनवा देता हूँ। ठीक है, भले आपके पैर पढ़ लूंगा मैं, तो मुझे बोला मैं स्ट्रीम करने के लिए, बिल्कुल भी स्ट्रीम नहीं होगा मतलब कसम से। मैंने बहुत बहुत दिन से देख रहा हूँ भाई, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला, बहुत ज्यादा चुप था बिल्कुल मैं, पर मैं लिमिट पार कर दिया भाई। अब तो मुझे ये बताइए सोल फैन से हेटर्स आई डोंट नो भाई कौन है ये, तो पूरा लिमिट पार कर दिया भाई अब। और आप सबकी सुन चुका रिक्वेस्ट में कि भाई मॉडल की कॉल सुन लो, कॉल सुन लो, कॉल सुन लो, भाई वही कर रहा हूँ मैं अब, कॉल सुन रहा हूँ मॉडल की, हकता हूँ तो भाई अपनी गलती मान लेता हूँ, खत्म बात, बाकी कुछ नहीं सकता भाई मैं। ठीक है तो बताओ सर, हमने हाथ जोड़ता भाई, प्लीज डोंट आस्क मी टू स्ट्रीम, आई वॉन्ट, आई कैन नॉट, कर लिया भाई मैंने, बहुत ट्राई कर लिया भाई, जब से आया हूँ तब से गाली खा रहा हूँ भाई मैं, पीएमपीएल के बाद से गालियाँ गालियाँ खा रहा हूँ सबकी भाई मैं, लिमिट होती है भाई गालियाँ खाने की, ना आई नो कि स्काउट इतना बोलता है कि उधर स्ट्रीम पे, समझ में आता है ब्रो हमको भी। अपनी अगली न्यूज है टीम सेल्स को लेके। तो अब पीएमडब्ल्यूएल तो खत्म हो चुका है, अब वापस स्टार्ट होगा पीएमसीओ, देन पीएमपीएल, देन पीएमपीएल पीएमडब्ल्यूएल सीजन वन। तो सेल्स रॉक्स ने कंफर्म किया कि उनको स्लॉट नहीं मिला है फॉर पीएमपीएल सीजन वन, अब वो डायरेक्ट वापस पीएमसीओ से स्टार्ट करेंगे, देन वो फिर पीएमपीएल के लिए क्वालिफाई करेंगे, फिर वो पीएमडब्ल्यूएल के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो उनको वापस अपनी जर्नी स्टार्टिंग करने की एकदम पीएमसीओ से। तो सेल्स रॉक्स ने कंफर्म किया कि जो भी न्यूज स्प्रेड कर रहा है कि इनको डायरेक्ट स्लॉट मिल चुका है पीएमडब्ल्यूएल के लिए वो फेक है। गाइस यही थी आज के लिए इंडियन कम्युनिटी गेमिंग न्यूज में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।